की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड मैजिकल वे और टेक्निक के बारे में, जिससे आप अपना कोई भी डिज़ायर विद इन 21 डेज में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस टेक्निक को शेयर करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो ये है कि हम लोग किसी को भी रिप्लाई में, कमेंट में हमारे नंबर शेयर नहीं करते। ठीक है, तो जितने भी लोग हो जिनको अपने कमेंट के रिप्लाई में कोई भी रविता सोनी के नाम से नंबर्स शेयर कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट दोज पीपल। वो सब के सब स्कैमर्स हैं। बहुत अकाउंट्स को तो मैंने खुद रिपोर्ट किया है, स्टिल आपके पास भी वो ऑप्शन रहता है। तो गाइज, आपकी कमेंट में अगर कोई भी मेरे नाम से रिप्लाई करे आपको कि भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करे, व्हाट्सएप करे, तो सिंपली आप भी उस पर्टिकुलर कमेंट को रिपोर्ट कर सकते हो। तो वो जो कमेंट होगी ना, उसकी साइड में 3 डॉट्स वाला एक ऑप्शन का वो सिंबल होगा, तो उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप देखेंगे ना, तो उसमें रिपोर्ट कमेंट करके आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपको अगर आपके कमेंट में, रिप्लाई में इस तरह की जो कमेंट आती है ना, तो आप सिंपली उसको रिपोर्ट करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कमेंट है जो हमारी आंखों से नहीं चली जाती है, हम नहीं देख पाते। एंड बहुत से नए नए यूज़र्स भी रोज़ हमारी वीडियोज़ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता, और कुछ ना कुछ कोई ना कोई इस पे फंसी जाता है। तो इसलिए प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें, एंड इस चीज़ को प्रिवेंट करने में आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो सिंपली आप कमेंट में जाके उसको सिंपली रिपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है 369 मेथड। ठीक है, 369 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, जो आपने आज नहीं तो कल लेकिन सुनी ज़रूर होगी। ठीक है, तो आपको इस टेक्निक को कैसे करना है उसके बारे में हम बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे बात करेंगे, जिससे आपके लिए ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और इस टेक्निक को करते टाइम आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा क्लियर एंड स्पेसिफिक हो जाना है कि आपको इस वक्त आपके लाइफ में कौन सा डिज़ायर, कौन सी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। ओके, अब आपको उस डिज़ायर के लिए एक अफर्मेशन बनानी है जो प्रेजेंट टेंस में है, जो ये मेंशन करती है, जो ये बता रही है, एक्सप्रेस कर रही है कि वो डिज़ायर इस वक्त मैनिफेस्ट हो गया है। ओके, तो मान लीजिए कि अगर आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं हर बार ये एग्जांपल देती हूँ आपको, तो आप सिंपली लिखेंगे कि आई हैव मैनिफेस्टेड 10 लैक्स इन माई अकाउंट, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, या आप हिंदी में या जो भी आपकी लैंग्वेज है आप लिख सकते हो, जो भी स्पेसिफिक अमाउंट है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, कि मैंने 10 लाख रुपए मैनिफेस्ट कर लिए हैं, थैंक यू यूनिवर्स, या मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, इस तरह से अगर कोई एडमिशन चाहिए कॉलेज में, तो आप लिख सकते हो कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, आई गॉट द एडमिशन इन माय ड्रीम कॉलेज, या जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी है। ठीक है, आई हैव मैनिफेस्टेड माय ट्रू लव, और आई हैव गॉट द कमिटमेंट फ्रॉम माय स्पेसिफिक पर्सन, मेरे पर्सन ने मुझे कमिटमेंट दे दी है, या मेरी शादी मेरे प्यार के साथ, मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैनिफेस्ट हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से आपको आपकी एफर्मेशन बना के आपको उसको पूरे दिन में, डेली पूरे दिन में आपको उसको 18 टाइम्स लिखना है। ठीक है, 18 बार लिखना है, लेकिन ये 18 बार आपको कंटिन्यू लिखना है, उसके पार्ट हो जाएंगे 3, 6 एंड 9। ठीक है, तो आपको इसमें 3 सेशन मिलेंगे। ठीक है, डेली करना है, तो पहली बार आपको मॉर्निंग में करना है, जब आप उठ के अपना रूटीन करते हो, रिचुअल करते हो, तब उसके साथ आपको ये चीज़ करनी है कि सिर्फ 3 बार वो अफर्मेशन जो आपने बनाई है वो लिख देनी है। ओके, उसके बाद दूसरी जो 6 बार लिखने की टाइम है, वो आप दोपहर में लिखेंगे, या इवनिंग में भी लिख सकते हो, दैट्स फाइन। तो दोपहर या इवनिंग में आपको वही अफर्मेशन वापस से 6 बार लिखनी है। ओके, उसके बाद वापस से छोड़ देना है और लेट गो कर देना है। एंड लास्ट, सोने से पहले आपको वही अफर्मेशन 9 बार लिखनी है, 9 टाइम्स लिखनी है। ओके, एंड एक ही चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप अफर्मेशन लिख रहे हो, यू जस्ट हैव टू फील दी हैप्पीनेस, आपको थोड़ा एक्साइटमेंट फील होना चाहिए। आप एकदम गुस्से में हो या पूरे दिन के स्ट्रेस्ड आउट हो और फिर आप वो अफर्मेशन लिख रहे हो वैसे करके, तो वो चीज़ काम नहीं करी है कि, तो यू हैव टू बी काम एंड कॉन्सेंट्रेटेड, थोड़ा ग्रेटफुल आप फील करना उस टाइम पर। ठीक है, एंड आपको ये अफर्मेशन लिखनी है। ओके, तो बस ये रूटीन आपको डेली करना है, मिनिमम 21 डेज और मैक्सिमम 33 डेज। ठीक है, ये चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है, सुबह 3 बार, फिर उसके बाद 6 बार, और रात को सोने से पहले 9 बार आपको ये अफर्मेशन लिखनी है, एंड देन जस्ट लेट इट गो। एंड लास्ट थिंग ये है कि आपको कोई भी डाउट्स नहीं करने हैं, चिंता नहीं करनी है, एंड जस्ट कीप गोइंग, एकदम डिटैच्ड हो रहना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है कि कैसे होगा,
बस इस चीज़ को आप फेथ के साथ यू नो परफॉर्म करिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेक्निक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन टेक्निक है, प्लस आपकी फेथ एंड आपके बिलीफ को भी ये स्ट्रांग बनाने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। सो इस टेक्निक को आप कितने भी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन टर्न बाय टर्न करते हो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डिज़ायर के लिए आप 3 टाइम पर अफर्मेशन लिख रहे हो, उसमें भी अगर आप मल्टीपल डिज़ायर्स के लिए अगर इस चीज़ को करेंगे तो वो थोड़ा आपके लिए यू नो डिफिकल्ट हो जाएगा। सो एक विश के लिए ही पहले इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें, फिर दूसरी विश के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। सो इस टेक्निक को बिल्कुल आप प्रैक्टिस करना, बिल्कुल ट्राई करना, आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे साथ भी रिजल्ट्स शेयर करना, बहुत लोगों ने ऑलरेडी शेयर किए हैं। सो दिस इज़ वंडरफुल टेक्निक, सो ऑल द वेरी बेस्ट। यही थी आज की इस टेक्निक के बारे में, इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।